नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। तो जिस दिन आप जवाब लेके आओगे, 7 दिन के अंदर PSEL का पैसा ब्याज सहित, यानी जो लगभग 1.5 लाख करोड़ होता है वो, और प्लस क्यू शार्प का पैसा 40,000 करोड़, क्यू शार्प का पैसा 40,000 करोड़, वो दोनों पेमेंट्स। और दूसरा मैसेज मैं देना चाहूंगा कि बहुत सारे दिन से आज चल रहा था कि 11 सवालों का जवाब आने के बाद भुगतान कौन करेगा। जो लोग बोल रहे थे कि 0 चैनल देगा, मैंने बोला था 91 दिन में देंगे। फिर उसके बाद 23 दिसंबर को मैंने ये भी कह दिया कि 30 दिसंबर तक अगर आप उसका फोटो दे देते हो तो 2 जनवरी को ये लोढ़ा कमेटी के पास DD भी पहुंच जाएगी उनके टेबल पर, और सेबी के पोर्टल पे भी दिखेगा। अब आज जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूं वो आज सुन के आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो साथियों, अगर सवालों का जवाब आ जाता है तो लोढ़ा कमेटी पेमेंट नहीं करेगी। अब ये भी फाइनल हो गया। पहले हो रहा था कि लोढ़ा कमेटी के माध्यम से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनके भी, और 1.5 लाख करोड़ में। बाकी पार्टी पे नजर किसकी है वो भी आप समझ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि अब ये हुआ कि अगर 11 सवालों का जवाब आ जाता है, प्रमाणित जवाब, यानी CBI ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसके जब्ती पंचनामे का कोई फोटो, जो कि पंचनामा मार्च 2016 में फट चुका है, अगर उसके पहले 1.5 साल तक कंपनी के पास रखा था, अगर किसी के पास उसकी नकल या फोटो कॉपी या उसका कोई फोटो या स्कैन की हुई कॉपी रखी है तो उसके माध्यम से हो जाएगा, नहीं तो मैनेजमेंट का एफिडेविट आ जाएगा या किसी अखबार में मैनेजमेंट प्रकाशित करवाता है पूरा जो तीसरे सवाल का जवाब है। तो आपको भुगतान कौन देगा और कितने दिन में देगा, आज मैं वो फाइनल बताने जा रहा हूँ। 7 दिन के अंदर पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपका। जो भी ये 11 सवालों का जवाब आ जाता है प्रमाणित, चाहे कोई भी व्यक्ति लेके आए, किसी भी टीम का व्यक्ति कहीं से भी प्रमाणित जवाब लेके आता है, तो 7 दिन के अंदर पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी और 30 दिन के अंदर सबको पेमेंट खत्म हो जाएगी पूरे ब्याज सहित। जिनके पेपर गुम हो चुके हैं उनको भी पैसा मिलेगा, जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी पैसा मिलेगा, और बिल्कुल आसानी से मिलेगा। केवल एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनेगा और तुरंत पेमेंट मिल जाएगी चेक, कोई ज्यादा झंझट नहीं होगा। बिल्कुल आसान प्रोसीजर जैसा पहले था वैसा ही प्रोसीजर होगा, और पैसा भी हर जिले में मिलेगा, और जो आपकी 386 ब्रांचें थी PSEL की उससे ज्यादा ब्रांचों में आपको मिलेगा। अब मैं बताऊं कि पैसा कहां से मिलेगा, मैं आपको बता दूं साथियों, सहारा की ब्रांच से चालू हो जाएगी। PSEL का पैसा आपको सहारा की हर ब्रांच में मिलेगा। आप केवल 11 सवालों का जवाब लेके आइए, क्यों छाप के भी पैसा मिल जाएगा। जो आज सारा क्राइसिस में मतलब समय बिता रही है, आज बेचारी परेशान है, उसके भी मतलब दिन जो चमक जाएंगे, उनको भी बढ़िया रास्ता मिल जाएगा, और आपको सहारा की ब्रांचों से पैसा मिल जाएगा। PSEL की ब्रांचें है भाड़ में। 11 सवालों का जवाब लेके आइए, हम आपको 7 दिन के अंदर आपके नजदीकी सहारा ब्रांच में इसका भुगतान करा देंगे। सहारा बाकायदे सेबी के पोर्टल पे आएगा कि सहारा की ब्रांचों से आप इसका पैसा ले सकते हैं। लोढ़ा कमेटी की निगरानी में होगा, लोढ़ा कमेटी एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे हर ब्रांच में, और वो बैठा रहेगा, आपको पेमेंट सहारा देगी और बहुत आसानी से दे देगी कि कोई पेपर नहीं है, बस आप नंबर बताओ, डाटा आपको सहारा वाले खुद निकाल के देंगे। यानी ये भी झंझट नहीं आएगा कि भाई हमारे पास कोई अकाउंट नंबर भी नहीं है किसी के पास, बस इतना याद भर है कि हमारे इस नाम से जमा था, तो सहारा वाले आपकी हेल्प करेंगे और आपका वो डाटा में से निकाल के देंगे कि हाँ आपका इतना पैसा जमा है और टोटल इतनी किस्तें जमा है और इतना ब्याज शायद बनता है, आप ये पेपर लेके आओ और उसके बाद हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे डाटा मतलब ये मान के चलिए कि सहारा के कंप्यूटर पे आने के केवल 1 सेकंड की बस दूरी है। मतलब जिन पेन ड्राइव्स में ये जिन हार्ड डिस्क में ये लॉक हो चुके हैं डाटा, वो डाटा सहारा की पहुंच के अंदर आ चुके हैं, बस वो अपने इसमें सिस्टम में उनको अपलोड करेगी और पेमेंट चालू करेगी। आप 11 सवालों का जवाब लेके आइए। वैसे सहारा लगी हुई है कि वो अपने स्तर पे ही कुछ ऐसा करे जिससे शायद कुछ हो जाए, लेकिन उसको संभावना कम दिख रही है, इसलिए ये 11 सवाल आप लोगों के सामने आए हैं। 11 सवालों के जवाब आ जाते हैं तो 7 दिन के अंदर सहारा की ब्रांचों में PSEL की पेमेंट के साथ साथ क्यू शार्प की भी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, विद इंटरेस्ट पूरा पैसा मिलेगा। तो अब आप लोगों की सबकी बात पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब साथियों पैसा कितनी आसानी से मिल सकता है। आप 11 सवालों का जवाब लेके आए। भाई आप आतंकवादियों की मदद क्यों कर रहे हो, गरीबों का पैसा लुटा के आतंकवादियों को क्यों दे रहे हो? आतंकवादियों की औलाद हरामखोर ज्यादा बोल रहे हो, फिर अभी फोन लगा तो फोन नहीं उठा रहे, जूनियरों को बोल रहे हम बात नहीं करेंगे, गरीबों का पैसा फंसवा के आतंकवादियों को दिया है। और कोई बोलना क्या बोल दिया? नहीं नहीं और बोलना है, गरीबों का पैसा आतंकवादियों को दे दिया और बोल रहे ये कोई टाइम नहीं है, दारू पीने का टाइम है हरामखोर, अफीम खाने का टाइम है, बख्तावर नाम लिखे हरामखोर, सुअर नाम लिखो अपना, सुअर की औलाद, गरीबों का पैसा फंसा दिया, सुअर की औलाद, कुत्ते की औलाद, माँ को भेजे थे बंगू के घर में, क्यों भेजे थे अपनी मैकारी को बंगू के घर में, हरामखोर और बोलिए।
सुअर की औलाद गरीबों का पैसा खा रहे, सुअर की औलाद गरीबों का पैसा खाए और ज्यादा बोल रहे हैं। फोन लगाते हो हरामखोर, फोन काट देते हो, गरीबों का पैसा खाते हुए शर्म नहीं आई? हरामखोर दो पैसे कमा नहीं सकते हो सुअर की औलाद? मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा साथियों, ये बख्तावर सिंह बाबा जी है वो सुअर कुत्ते की औलाद जो करोड़ों लोगों का पैसा फंसा के आतंकवादियों को दे आए। सुअर की औलाद 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा अटैची में भर के किस नक्सली को दे आए थे? ओ बख्तावर, साथियों बख्तावर ने फोन काट दिया, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ इनको। बहुत अच्छी बात है, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको बार बार फोन करके यही बताओ कि गरीबों का पैसा आतंकवादियों को इसने क्यों दिया था? 21 और 22 अगस्त का पैसा बख्तावर सिंह अटैची में भर के नक्सलियों को देने गया था, इस सुअर की औलाद को छोड़ना नहीं है। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।